हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ ऑटोकैड की एक न्यू ट्रिक के साथ। लास्ट में दो तीन ट्रिक मैं डाल चुका हूँ, आज एक न्यू ट्रिक के साथ मैं आपको चीज बताता हूँ। आज की जो ट्रिक का नाम है वो है उप्स उप्स कमांड। देखो उप्स कमांड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑटोकैड पे बना रहे हो और किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो मैं इस सर्कल को यहां से डिलीट कर देता हूँ, मान लो ये वाला सर्कल, और मैंने इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मान लो मैं कोई भी काम करता हूं कि मैंने यहाँ पे एक लाइन कमांड लगाई, उसके बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड यूज कर रहा हूँ, और दोबारा मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, अचानक से मेरे को याद आया कि मेरे को वो डिलीटेड ऑब्जेक्ट था वो मेरे को वापिस चाहिए। अब या तो मैं इसको अंडू करूंगा, अगर मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड से, तो आप देखोगे जो लास्ट कमांड थी वो आपका अंडू हो जाएगी, बट मेरे को डिलीटेड ऑब्जेक्ट वापस चाहिए। तो इसके लिए आप यूज करें WOPS ओप्स एंटर, तो आप देखोगे ये वाला सर्कल आपका दोबारा से वापस आ गया है। समझो, अंडू एक स्टेप बैक जाता है, और ओप्स क्या होता है कि जो आपने लास्ट आपने ऑब्जेक्ट को डिलीट किया था उस ऑब्जेक्ट को वो वापस ले आएगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि गलती से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया और उसके बाद हम काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको वो वाला ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप ओप्स कर सकते हो ताकि वो आपका कमांड वापस आ पाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्रिक काम आएगी आपके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।